ऑपरेशन मेरा 4 तारीख को फाइनली उन लोगों ने डेट करके दे दिया है, उधर पे हमारा अपॉइंटमेंट 4 तारीख का फिक्स हो चुका है। और देखो अभी क्या होता है, अभी तो पेपर ही आपको दिखा देती हूँ तो उसके बारे में फिर बात करते हैं बाद में। ऑपरेशन जो भी होगा वगैरह वो तो पार्ट वन तो ये है, पार्ट वाइज आएगा ही। सारी चीजें मैं डालने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है जब मैं अपनी जिंदगी की सारी चीजें आप लोगों के सामने रखती हूँ तो ये भी रखी जाए, क्यों नहीं रखी जाए, क्योंकि अगर मुझे आगे चल के खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो ये वीडियो प्रूफ है। और ये वीडियो ही एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया को पता चलेगा अगर मुझे कुछ हुआ तो सारी चीजें जो मैं ये पेपर वर्क आपको दिखाने वाली हूँ ऑटोमेटिकली ये जो भी चीजें हैं ये हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने पेपर वर्क किया है तो क्या चीज़ का किया होगा, आप लोग समझदार तो समझ गए होंगे, लेकिन जब तक कि देखेंगे नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ का पेपर वर्क किया है मैंने। तो चलिए बात कम करते हैं और पेपर वर्क पे अभी आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको पेपर, एक सेकेंड। सो गाइज ये वो पेपर है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर करके मैंने करवाया है। और ये क्या पेपर है अभी सामने से तो आपको उल्टा उल्टा ही सारी दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा, इसलिए तो मिरर इफेक्ट आता है फ्रंट कैमरे में, जैसे पता है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं। तो मैं आप लोगों को ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा करके। तो आर यू रेडी गाइस? चलो मैं अभी बैक कैमरा करती हूँ, सारे पेपर आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। तो जरूर देखिएगा ये पूरे पेपर, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही बोलते ना अहम फैसला और बहुत ही अच्छा फैसला मैंने लिया है। तो चलिए गाइज मैं आपको बता रही हूँ, और इसमें कोई कोई चीज़ें पेपर में मैं हाइड करूंगी, जैसे कि मेरा आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, मेरे घर का एड्रेस हो गया, मेरा मोबाइल नंबर हो गया, तो मैं अपने हाथों से या मैं मेरी नोटबुक से हाइड करूंगी तो उसको कोई गलत वे में मत लेना, क्योंकि इधर को काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लोग आते हैं अपनी एडवाइस देने, तो डॉक्टर, टीचर और क्या बोलते हैं आलिमा, आलिम, ये सब लोग आते हैं मुझे एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। जो मैं हूँ मैं तो सब पेपर पर दिखाती हूँ। और पूरा मैं क्या दिखाती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इसको ओपन करो, पूरा मैं सबूतों के साथ आती हूँ। तो चलिए गाइज आप लोगों को पेपर दिखाया जाए बैक कैमरा करके, तो जरूर देखो, गौर से देखो। पेपर है गाइज जो मैंने बनाया है, और ये है विल जो कि मेरे चारों बच्चों के नाम पे मैंने विल बना दिया, क्योंकि मौत और जिंदगी का कोई मेरा भी भरोसा नहीं रहा। डॉक्टर ने मुझे जिस दिन मेरे को मार लगा था उसके दूसरे दिन जब हम गए थे हॉस्पिटल तो तभी ही बोल दिया था कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस दिन से मेरा मैटर सब जो बताया था मैंने, वो तो आप लोगों को जैसे मैंने आगे बताया कि मैं नहीं वापस रिपीट करना चाहती, तो वो मैटर होने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे सारी चीज़ें बोला। और ये देख सकते हो ये तारीख है जो तारीख को मैंने ये विल बनाया था, ये आप देख सकते हो 12/6/23, ये देख सकते हो यहाँ पर पूरी रिसिप्ट के साथ। ये देखिए ये मेरे चारों बच्चों के नाम पे मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी चीज़ें, मतलब मेरे जितने, मतलब हमने ये 9 तारीख को पूरे पेपर वगैरह बन के हमारे चले गए थे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और 2 दिन तो हमको डेट मिलने के लिए लगता है, क्या बोलते हैं ये अपना जो ये रजिस्टर करते हैं ना, तो रजिस्टर ऑफिस में अपन को डेट मिलने के लिए 2-3 दिन लगता ही है। तो ये रजिस्टर और पूरा एग्रीमेंट हमने किया है मेरे चारों बच्चों के नाम पर, ये देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्लैट नंबर, ये जो, और यहाँ पर मेरा नाम, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पूरा एड्रेस नहीं है, इसके लिए फ्लैट नंबर खाली शो कर दिया मैंने, आगे जो एड्रेस रहेगा या कुछ रहेगा फुल एड्रेस तो वो नहीं दिखा पाऊंगी, इसमें खाली ये दिखाया। और ये आप देख सकते हो 9 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया था, और 2 दिन बाद हमें जो डेट मिली थी उसके हिसाब से हमारे पेपर वर्क हुए हैं। और गाइज इसमें मोबाइल इसके लिए मैंने ऐसा रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा मेरा रूम नंबर जैसे आप देख रहे हो थोड़ा सा, तो ये एड्रेस इसके लिए 3 लाइन में छुपाती हूँ, और नीचे का जो भी ये सारी चीज़ें जो लिखी है वो आपको बताती हूँ। हाँ एक सेकेंड, ये देखिए ये मुंबई, ये जो 95 लिखा है ये यहाँ से मैं छुपा रही हूँ, खाली एड्रेस है, ओके। तो आप पढ़िए गाइज ये जो भी कुछ भी लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये लाइट ज़्यादा आ रही है, एक्चुअली लाइट चलती ना इसलिए नहीं दिख रहा था, अभी फ्लैश लाइट बंद किया मैंने। तो गाइज आप लोग पढ़ सकते हो इसमें सारी चीज़ें, ये देखिए ये पूरा स्टैंपिंग गवर्नमेंट रजिस्टर किया है मैंने पूरा, ताकि मेरे बच्चे लोग का जो हक है वो उन लोगों को ही मिले। सो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला, ये मेरे बच्चे लोगों के लिए रहेगा, जो रहेगा जितनी भी चीज़ें मेरी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी ज्वेलरी, कार्स एंड कुछ भी, मेरे जितने FDs है और जितनी भी चीज़ें, सारी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, सारी जाएगी मेरे ये बच्चों के नाम पर। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये देखो इंसान विल कब बनाता है, जब बुढ़ा हो जाता है, उसको लगता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मतलब बुढ़ापे में जब इंसान को लगता है कि बंटवारा मैं कर देता हूँ तब बनाता है, लेकिन मैं तो देखो अभी से मेरे बच्चे लोग के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी, मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए गाइज आपको बाकी के आगे के डॉक्यूमेंट्स, और ये page number 2 बैक साइड वाला, ये आप देख सकते हो गाइज, ये जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है ये सारी इसमें मेंशन की गई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करी गई है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें वो ज़्यादा मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी, और भी है। और यहाँ पर नीचे ये देख सकते हो, ये आप लाइन पढ़ सकते हो 100% शेयर राइट,
पूरा उन लोगों को है, बच्चे लोग का नाम, और इधर पे एक्चुअली ये नीचे इसके लिए नहीं बता रही हूँ, अबाउ मेंशन डॉटर, और ये इसके नीचे क्या है, सबके नाम के साथ सबके ये है क्या बोलते हैं आधार कार्ड नंबर है, ये नामों के साथ नीचे आधार कार्ड नंबर आ गए हैं, तो वो इसके लिए नहीं बता रही हूँ, मेरे बच्चे लोग के आधार कार्ड नंबर है, क्योंकि आधार कार्ड नंबर भी डालना पड़ा, क्योंकि आधार कार्ड नंबर से आप लोगों को पता है सारी चीज़ें अभी अपडेट हो चुकी है। तो गाइज इसके नीचे तो सारे आधार कार्ड नंबर, इसके लिए नहीं दिखा रही हूँ, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि हमने वो लिया है उसमें मेंशन किया, लेकिन वो कोई भी चीज़ आपको नहीं बता सकती हूँ। और ये गाइज ये मैं दूसरे मतलब थर्ड या फोर्थ पेज पे हूँ, तो ये देखिए ये पढ़िए, ये जो चीज़ें हैं ये देख सकते हो विथ माय थंब, और यहाँ पर नीचे भी मेरा एड्रेस और आधार कार्ड नंबर है, इसके लिए मैं हाथ रखी हूँ, ये देख सकते हो ये मेरा नाम है यहाँ पर अबाउ मेंशन, मेरा पूरा नाम है ये, और यहाँ पर मेरा थंब और सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है। चलो अभी दूसरा पेज दिखाती हूँ, मतलब आगे का पेज, ये देखो ये भी रिसीव है जो कि मराठी में लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम देखो यहाँ पर है, ठीक है। अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। सो गाइज ये देखिए ये फाइनल वाला, एकदम फाइनल वाला जो रजिस्टर होता है ऑफिस में, ये यहाँ पर एक्चुअली एड्रेस वगैरह आ गए ना सबके, तो ये दो विटनेस हैं, और ये देखो ये मैं हूँ मेरे थंब के साथ, ये तो मैं हूँ जैसे आप जानते हो, ये मेरी हालत इतनी ख़राब थी वो टाइम पे, देखो मैं कैसी दिख रही हूँ, ये वो टाइम का है ना, ये देखो गवर्नमेंट रजिस्टर नंबर विथ डेट मंथ एंड ईयर, ये टाइम पे मेरी हालत क्या थी आप लोगों को पता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, जिस कारण के आज मुझे ये विल बनानी पड़ी, उस कारण विल बनानी पड़ी थी, वो वक्त पे ऐसा वक्त था, और आज अलग दौर है, वो अलग दौर था। और ये देखो ये मैं हूँ जो कि मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ इसमें, मुझे पता है, और ये मुनज़्ज़ा है विटनेस में, और ये मेरे भाई है, ये मेरे बड़े भाई है, जो इसमें बहुत ही अजीब दिख रहे होंगे आपको, जैसे आप सबको पता है सब अजीब दिख रहे हैं गवर्नमेंट की, मतलब बोलते हैं ना आधार कार्ड में भी ऐसी फोटो लेते हैं उन लोग के अजीब ही दिखते हैं, तो ये विटनेस में मैं मेरे भाई को बनाई हूँ और एक मुनज़्ज़ा को बनाई हूँ, क्योंकि मेरी सुख दुख की साथी मुनज़्ज़ा है, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे साथ हमेशा रहती है, और मेरे भाई जो कि मेरे भाई भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पहले से, और मेरे सुख दुख के साथी मेरे भाई और मेरे भाभी है, तो मैंने इनको विटनेस में लिया मेरे भाई को, तो बस इतना ही, और आगे का पेपर तो ख़त्म ही हो चुका है। कुछ नहीं, और दो तीन पेपर थे जिसमें काफ़ी सारे एड्रेस एंड ये सब चीज़ें थी, तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ये जो विल है, ये विल मेरे बच्चे लोगों के लिए है, ये देखो एक बच्चा तो इधर खड़ा है, ये देखो ये देखो। तो बस यही कहना चाहूंगी, अभी मैं फ्रंट कैमरे पे आ जाता है। आपने तो देख ही लिया कि सारी चीज़ें विल वगैरह मैंने आपको दिखाया, मेरे बच्चे लोग के नाम के ऊपर मैंने कर दिया है, और आप लोग सोच रहे हो इतना हंस रही है, इतना बड़ा इसका ऑपरेशन है, हंस रही है, तो देखो जितना भी जो भी दो चार दिन की जिंदगानी है, शायद मैं कल रहूँ नहीं रहूँ, इसके लिए इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया अपनी लाइफ का, ये डिसीजन लेके मैंने आज विल बनाई, तो सोचो मेरे पे क्या गुजर रही होगी, और मेरे पे कौन सी हद तक के मुझे डॉक्टर ने क्या बोला होगा जो मेरे को विल बनाना पड़ा, बस इतना मैं बोलूँगी। और तो और मेरे लिए दुआ करना, कल मतलब बोलते ना मैं कल रहूँ नहीं रहूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चे लोग के लिए दुआ करना, अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे लोग को सपोर्ट करना, और ये मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं था आप लोगों को दिखाने का, लेकिन इसके लिए मैंने दिखा दिया कि देखो कि जो भी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बताती ही बताती हूँ, तो मैंने बोला कि चलो ये भी चीज़ें आप लोगों को शेयर की जाए, और ये एक एक सबूतों के जरिए भी सही बोलूँ तो इसलिए भी दिखाना था मुझे कि ये एक ज़िंदगी में मेरे बच्चे लोग के नाम पे है। कल के दिन क्या होता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी से कोई ना कोई आके खड़े हो जाता है, जैसे फैमिली मेंबर्स है, काफ़ी सारी लफड़े झगड़े मेरे को मेरे मरने के बाद नहीं चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी को लेकर तो मेरे को हरगिज़ नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे बच्चे लोगों के नाम पे करूं और आप लोगों को दिखाऊं, और ये एज अ प्रूफ मेरे पेज पर रह जाए ज़िंदगी भर के लिए। और बस